हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फ्लैग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस ओके देर आर अराउंड नाइन टाइप्स ऑफ फ्लैग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस विद विच हम इसका यूज करके फ्लैग्स को कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है या फिर कुछ फ्लैग्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं इसके बेस पे इस इस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके ठीक है सो पहली वाली इंस्ट्रक्शन है देखो एल एच एफ एस एच एफ सी एल सी एस टी सी सी एम सी सी एल आई एस टी आई सी एल डी एंड एस टी डी ओके सो एल एच एफ जो है एल एच एफ मीन्स लोड ए एच फ्रॉम फ्लैग लोड ए एच फ्रॉम फ्लैग ठीक है यानी हम ए AH एच को फ्लैग से लोड कर रहे हैं फ्लैग की जो कंटेंट होगा वो हम आ, कायमें लोड कर रहे हैं ए AH एच में ठीक है और जो लास्ट वाला कॉलम है वो है कितने कौन सा फ्लैग उससे अफेक्टेड हो रहा है ठीक है तो वो ये वाला ला, लास्ट वाला कॉलम डिफाइन कर रहा है ठीक है so, सो एल एच एफ क्या करेगा जो फ्लैग्स फ्लैग्स में जो कंटेंट होगा फ्लैग्स के कंटेंट को ए AH एच में लोड करेगा ए AH एच क्या है एक एक रजिस्टर है ए एक्स ठीक है सो उसका जो सब रजिस्टर है तो वो है एक ए AH एच और एक ए एल ये दोनों एटेड बिट्स के होते हैं ठीक है सो so, उसमें से ये ए AH एच है ठीक है ये जनरल पर्पज रजिस्टर्स है रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एट जीरो एट सिक्स में भी एक डिटेल्ड वीडियो बन चुकी है आप पहले वो रेफर करो ठीक है उसके बाद आपको ये सारी कन्फ्यूज दूर होगी ठीक है उसमें फिर हमारे जो फ्लैग्स है फ्लैग्स भी उसमें कवर हुए हैं फ्लैग रजिस्टर्स जो है उसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्लैग्स होते हैं कैरी फ्लैग इंटरफ फ्लैग उसके बाद स्टेटस फ्लैग जीरो फ्लैग पैरिटी फ्लैग ये सारे फ्लैग्स भी उसमें क, उसमें कवर हुए हैं ठीक so, है सो फर्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन तो हो गई सेकेंड वाली इंस्ट्रक्शन है स्टोर ए एच इन फ्लैग एस ए एच एफ ठीक है मीन्स क्या है इसका स्टोर ए इन फ्लैग मतलब फ्लैग में जो ए AH का कंटेंट है ए AH के कंटेंट को फ्लैग में स्टोर करो ठीक है उसके बाद है सी एल सी सी एल सी मीन्स क्लियर कैरी फ्लैग ओके सो कैरी फ्लैग का जो भी कंटेंट होगा उसको क्लियर कर देना मतलब कैरी फ्लैग का जो कैरी फ्लैग में क्या इंसर्ट कर दिए ज़ीरो इंसर्ट कर दिए बाकी कुछ नहीं मतलब कैरी फ्लैग की वैल्यू अब हो गई जी, जीरो ओके okay, अब इसमें जो फ्लैग अफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है कि अगर कैरी फ्लैग पे हम वर्क कर रहे हैं तो कैरी फ्लैग ही अफेक्ट होगा ठीक है उसके बाद है एस टी सी सेट कैरी फ्लैग सेट मीन्स हमको जो फ्लैग की वैल्यू है वो वन कर देना है ठीक है इसका मतलब होता है सेट और रीसेट का मतलब होता है इसकी वैल्यू कोई भी फ्लैग की वैल्यू जीरो अगर कर दिए ठीक है उसको बोलते हैं हम रीसेट ओके सो एस टी सी मीन्स सेट कैरी फ्लैग मतलब सी एफ की जो भी कंटेंट हो उसको कैसे एक्सचेंज कर देना है हमको वन से ठीक है सो इसमें भी ऑब्वियसली सी एफ ही कैरी फ्लैग ही इसमें अफेक्ट होगा, ओके सो उसके बाद है सी एम सी कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग ठीक है कॉम्प्लीमेंट मीन्स उसको उसकी जो वैल्यू है अब अब जो हम आ, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं उसमें दो ही वैल्यूज़ होती है एक तो जीरो या फिर वन ठीक है तो कॉम्प्लीमेंट करना है यानी उसका उल्टा कर देना जीरो है तो वन कर देना वन है तो जीरो कर देना ठीक है तो कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग यानी कैरी फ्लैग की जो भी वैल्यू है जीरो है या वन है या फिर डिफरेंट मतलब ज्यादा बाइट्स में भी हो सकती ज्यादा बाइट्स में भी वैल्यू हो सकती है मतलब एट बेट्स सिक्सटीन बेट्स ऐसे तो वो जो भी वैल्यू है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देना जैसे हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं वैसे ठीक है सो सी एफ अगर है तो सी एफ बार कर देना सी एफ बार ठीक है मतलब वन है यहाँ पर अगर तो उसको जीरो कर देना अगर यहाँ पर ज़ीरो है तो इसको वन कर देना ओके सो so, उसके बाद है सी एल आई क्लियर इंटरप्ट फ्लैग ठीक है इसमें क्या होगा जो इंटरप्ट फ्लैग है उसको क्लियर करना है मतलब जैसे हमने कैरी फ्लैग को क्लियर किया था उसकी वैल्यू जीरो कर दी थी उस उसी तरह इंटरऑफ फ्लैग को भी हमको यहाँ पर क्लियर करना है उसकी वैल्यू भी ज़ीरो कर देना मतलब जीरो कैरी इंटरऑफ फ्लैग में इनपुट कर देना इसमें भी देखो इंटरफ फ्लैग से हम काम कर रहे हैं तो इंटरऑफ फ्लैग ही ऑब्वियसली इस पर अफेक्ट होगा ठीक है उसके बाद है सेट इंटरऑफ फ्लैग यहाँ पर सेट यानी वन कर देना वन इंटरऑफ फ्लैग में इंट, इंसर्ट कर देना है ठीक है उसके बाद है सी एल डी क्लियर डायरेक्शन फ्लैग उसके बाद है एस टी डी सेट डायरेक्शन फ्लैग क्लियर डायरेक्शन फ्लैग यानी डायरेक्शन फ्लैग को ज़ीरो कर दो सेट डायरेक्शन फ्लैग यानी डायरेक्शन फ्लैग को वन डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू वन कर दो ठीक है तो ऐसे हम मॉडिफाई करते हैं हमारी यूज़ uh, के बेसिस पर अब देखो ये डिफरेंट डिफरेंट है जैसे यहाँ पे है कैरी फ्लैग कैरी फ्लैग की हम वैल्यू कभी जीरो कर रहे हैं कभी वन कर रहे हैं फिर उसके बाद इंटरऑफ फ्लैग की कभी जीरो कर रहे हैं कभी वन कर रहे हैं या तो फिर कैरी फ्लैग में जो कंटेंट है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं ऐसे ऐसे जब हम मॉडिफाई करते हैं ठीक है तो ऐसे मॉडिफाई करने के लिए हम ये वाली इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं अब देखो जो फर्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन है एल एच एफ और एस एच एफ ठीक है तो ये इस, इसको हम काय के लिए यूज़ कर सकते हैं दो दो टाइप्स से हम इसको यूज़ कर सकते हैं एक तो हम इसको जो फ्लैग्स है एस एफ जेड एफ पी एफ ए एफ और सी एफ इनको चेंज करने के लिए भी कर सकते हैं या तो फिर हमको अगर इनकी वैल्यू रीड करना है ठीक है प्रोग्राम के थ्रू अगर हमको इसकी वैल्यू रीड करना है तो हम इसको इन फ्लैग्स की तो इसलिए उस, भी हम ये दो इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर सकते हैं ठीक है थीके? अब देखो अगर हमको इसको रीड करना है तो हम कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे एल एच एफ ठीक है पहले उसको आ, फ्लैग्स के अंदर लेके आएंगे इन सारी इन सारे फ्लैग्स की वैल्यू उसके बाद एच एफ ए एच के अंदर लेके आएंगे मतलब लोड एच एल एच एफ क्या करता है कि ए एच के अंदर फ्लैग्स की वैल्यू लेके आता है ठीक है और फिर रजिस्टर उस रजिस्टर को हम प्रोग्राम के थ्रू रीड करेंगे ठीक है उसके बाद अगर हमको इसको अगर चेंज करना है तो चेंज कैसे कर सकते हैं हम ये वाले इंस्ट्रक्शंस को ये ये वाले फ्लैग्स को ठीक है सो अगर हमको चेंज करना है तो हमको हम क्या करेंगे सबसे पहले ए एच जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू कर देंगे हम एफ एफ ठीक है मीन्स इन डेसीमल सिक्सटीन ठीक है हम इसकी वैल्यू कर देंगे एफ एफ ठीक है मतलब अगर हमको अगर पूरे पूरे जो फ्लैग्स है अगर उसकी वैल्यू अगर वन करना है तो हम क्या कर देंगे ए AH एच को किससे फिल कर देंगे एफ एफ से ठीक है एफ एफ से अगर हमने कर दिए उसके बाद एस एच एफ कर किए तो एस एच एफ क्या करता है जो ए AH एच का कंटेंट है वो फ्लैग्स वो फ्लैग में स्टोर कर देता है ठीक है अब ए AH एच का कंटेंट तो सारा का सारा वन 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 हो गया उसके बाद क्या करेगा वो वन 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 है तो ये जो फ्लैक्स की वैल्यू है वो कर देगा सारी सारी की सारी वन 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 ठीक है सो so, इसलिए ऐसे हम क्या करते हैं फ्लैक्स की वैल्यूज़ को वन अगर सेट करना है अगर यानी वन करना है तो हम ऐसे यूज़ कर सकें उसके बाद देखो तीन इंस्ट्रक्शन है सी एल सी एस टी सी सी एम सी दिस इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू कैरी फ्लैग अगर हमको पर्टिकुलर कैरी फ्लैग को अगर सेट रीसेट या फिर उसको अगर उसकी वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट करना है तो हम ये तीनों भी ये तीनों इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं ठीक है थीके? पहली वाली में हम उसको रीसेट करते हैं, सेकंड वाली में हम सेट करते हैं और थर्ड वाली में उसको कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं ठीक है थीके? और ये जो आखिरी के चार इंस्ट्रक्शन है सी एल और सी एल मतलब क्लियर इंटर फ्लैग सेट इंटर फ्लैग मतलब क्लियर एंडरफ फ्लैग मतलब हम फ्लैग uh, को रीसेट कर रहे हैं मतलब जीरो कर कर सकते हैं उसके बाद इंटरफ फ्लैग को हम यहाँ पे वन कर सकते हैं ओके okay. उसके बाद डायरेक्शन फ्लैग को हम यहाँ पे जीरो कर सकते हैं डायरेक्शन फ्लैग को हम यहाँ पे वन कर सकते हैं ठीक है so, सो ऐसे हम इसको यूज़ करते हैं सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लैग मैनिपुलेशन फ्लैग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8086 जीरो एट सिक्स माइक्रो प्रोसेसर होप यू अंडरस्टैंड एंड मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू हैव एनी क्वारी और कन्फ्यूजन यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी और माई इंस्टाग्राम